अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अप्लाई फॉर न्यू जॉब digiskills.pk। digiskills.pk पाकिस्तान का फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। इस वक्त इनके न्यू बैच की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है और जिसमें जो है आप इनरोल होकर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, कौन कौन से कोर्सेज ये digiskills.pk प्रोवाइड कर रहा है और इनमें कैसे इनरोल होना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके इस वीडियो में शेयर की जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक अप्लाई फॉर न्यू जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद न्यू आने वाली इस टाइप की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनकी वेबसाइट ओपन करनी है। तो वेबसाइट कैसे ओपन होगी, आपने गूगल पे आ जाना है, वेबसाइट एंटर करनी है digiskills.pk, ये आपने लिखना है, सर्च करना है। फर्स्ट पे आएगा डीजी स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग इन पाकिस्तान, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो ये आप इनकी वेबसाइट पे आ जाएंगे इस तरह। इसकी वेबसाइट की डायरेक्ट लिंक भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ओके, तो ये आप सामने देखें कि नोटिफिकेशन आ रहा है, कोर्स इनरोलमेंट इज़ ओपन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, क्योंकि आज से इनकी यानी कि 3 अक्टूबर से इनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है न्यू बैच की इनरोलमेंट। ओके, तो यहाँ अब देखते हैं कि ये कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। तो डीजी स्किल्स जो है आपको फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, टोटल 15 कोर्सेज हैं जिनमें आप अपनी मर्ज़ी के टू कोर्सेज में इनरोल होके, यानी इस बैच में कोई से भी 2 कोर्सेज में इनरोल होके कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये देखें, फ्रीलांसिंग है, वर्चुअल असिस्टेंट, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन एंड वीलॉगिंग, नेक्स्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, नेक्स्ट वर्डप्रेस, क्रिएटिव राइटिंग, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, ऑटोकैड, डिजिटल लिटरेसी, क्विक बुक्स। तो ये टोटल 15 कोर्सेज हैं जो कि आपको digiskills.pk की तरफ से यानी पाकिस्तान में जो है ये फ्री कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आप इन कोर्सेज में अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। आफ्टर इनरोलमेंट ये कोर्सेज जो है स्टार्ट हो जाएंगे और आप फ्री घर बैठे, जस्ट आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप का होना ज़रूरी है क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी होगी साथ साथ। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है प्रैक्टिस के लिए तो फिर आप इन कोर्सेज में जो है आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी कोर्स में तो आप इनरोल हो सकते हैं और ये कोर्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनमें कैसे इनरोल होना है, ये सब डिटेल्स। यहाँ आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आएगा होम कोर्सेज, तो कोर्सेज के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा कोर्स इनरोलमेंट फॉर बैच 3। तो इनका भी इस वक्त बैच 3 स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस digiskills.pk जो है इस वक्त इनकी जो न्यू इनरोलमेंट है वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है और इसमें टोटल 2,50,000 सीट्स हैं। ओके, तो ये प्रोसेस आपके सामने शेयर किया गया है कि कैसे इनरोलमेंट करनी है, कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने रजिस्टर होना है इनकी वेबसाइट पे। ठीक है, साइन अप करना है अपने वैलिड ईमेल एड्रेस से, उसके बाद आपने कंप्लीट करनी है अपनी प्रोफाइल, उसके बाद आपने क्या करना है, यू है यो आपने जो है रजिस्टर होना है, जो है आपने जो है इनरोल नाउ पे क्लिक करना है। आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगा इनरोल नाउ का ऑप्शन आएगा और वहां से आपने इनरोल नाउ पे क्लिक करना है और कोई से भी 15 कोर्सेज कोई से 2 कोर्सेज आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप न्यूली रजिस्टर्ड ट्रेनी हैं तो फिर आपने जो है एक तो फ्रीलांसिंग का कोर्स लाजमी सेलेक्ट करना है और साथ में आप अपनी मर्जी से कोई भी एक कोर्स और सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप न्यूली इंटरेस्ट यानी न्यूली रजिस्टर्ड हैं यानी फ़र्स्ट टाइम इनका कोर्स करने आ रहे हैं तो फिर आपने एक फ्रीलांसिंग करना है और दूसरा अपनी मर्ज़ी से कोई कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पहले कोई कोर्सेज इनकी वेबसाइट पर कर चुके हैं तो फिर अपनी मर्ज़ी से 2 कोर्सेज आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अब ये भी नहीं है कि आपने अगर 2 कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं और आपने दोनों कोर्सेज कम्प्लीट करने हैं। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं, एक कोर्स
अगर आप चाहते हैं कि आप एक कोर्स को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंप्लीट करते हैं और आप उसका सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और मज़े की बात कि ये इनका सर्टिफिकेट पाकिस्तान यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी रिकॉग्नाइज्ड है, यानी ठीक है। तो अब जो है आप कोर्सेज सेलेक्ट करेंगे और इनकी जो यानी क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी 1 नवंबर से, ठीक है। अब हम चलते हैं आपने किस तरह। अच्छा, तो इनमें कोई ये नहीं है कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम ये हो, बैचलर हो या मैट्रिक। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मिडिल या मैट्रिक है, आपको जस्ट कंप्यूटर के अबाउट थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, हाउसवाइफ भी कर सकती हैं, प्रोफेशनल्स भी कर सकते हैं, तो कोई भी इनमें इनरोल हो सकते हैं। अब आप सबसे पहले आपको ऊपर जो ऑप्शन नज़र आ रहा है साइन अप का, आपने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप के ऑप्शन पे आ जाएं, तो साइन अप के ऑप्शन पे जब आप आ जाएंगे तो नेक्स्ट आपने यहाँ पे ओके, तो साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट यहाँ देखें फर्स्ट नेम का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर अपना कंप्लीट नेम लिखें, लास्ट नेम लिखें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल एड्रेस, अपनी ईमेल एड्रेस लिखें जो आपके मोबाइल या लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर में लॉग इन हो, ठीक है। ईमेल एड्रेस लिखें, वैलिड ईमेल एड्रेस, उसके बाद पासवर्ड अपना कोई भी यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी ईमेल पे एक कोड आएगा या वेरिफिकेशन कोड, आपको ये शेयर करेंगे। वहाँ से आपने अपनी अपने अपनी ईमेल ओपन करनी है और वहाँ से वेरीफाई कर लेना है। जब आप वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद आपने यहाँ पे यहाँ से भी साइन इन कर सकते हैं और ऊपर भी आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है साइन इन का, यहाँ आपने क्लिक कर देना है। साइन इन के ऑप्शन पे आपने आ जाना है, ठीक है। साइन इन के ऑप्शन पे जब आप साइन इन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ आपने अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है अगेन, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड लिखना है जो आपने पीछे सेट किया है, साइन अप कर साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने जो वहाँ पे सेट की अपनी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ टिक भी कर सकते हैं चेक, उसके बाद साइन इन कर देंगे। जब आप साइन इन करेंगे तो आपकी जो है नेक्स्ट प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। वहाँ आपने जो है प्रोफाइल पे अपना नेम अगेन, वहाँ पे अपना नेम वगैरह आपका ऑलरेडी शो हो रहा होगा, वहाँ पे आपने SNIC नंबर और क्वालिफिकेशन बतानी है आपकी क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है, कौन सी आप अपना फ़ोन नंबर देना होगा, आपने आप कौन सी कोर्सेज करने जा रहे हैं, तो वो आपने प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करनी है और एंड पे सबमिट करना है। तो इस तरह आपके सामने प्रोफाइल ओपन होगी, यहाँ आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है, बहुत इजी है। एड्रेस वगैरह और ये देखें क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, ये आप इस तरह फिल कर देंगे और नीचे प्रोफिशिएंसी इंटरेस्ट आ जाएगा। ये इस तरह आपने ये चीज़ें सेलेक्ट कर देनी है जो भी आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है तो आपकी प्रोफाइल जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। उसके बाद जब आप प्रोफाइल सबमिट कर देंगे तो आपने ऊपर आ जाना है, यहाँ आपको होम का ऑप्शन नज़र आ रहा है, होम के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है तो ये आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा इनका। अब देखिए ये अकाउंट मैंने ओपन किया हुआ है, ये पहले से इन कोर्सेज में इनरोल हैं तो इनके पहले वाले कोर्सेज भी शो हो रहे हैं। जब आपका न्यू अकाउंट होगा तो यहाँ पे जस्ट आपका ये शो होगा इनरोल नाउ DSTP2 Batch 3, ठीक है, अभी जो रिसेंट करंट है। तो यहाँ आपने क्लिक कर देना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये अवेलेबल कोर्सेज अगेन आपके सामने आ जाए। तो यहाँ से आपने कोर्सेज फाइनली जो है 2 कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। अगर आप न्यूली रजिस्टर्ड हैं इनकी वेबसाइट पे तो फिर आपने एक यहाँ से फ्रीलांसिंग सेलेक्ट कर देना है इस तरह, और एक और कोई भी कोर्स अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लें जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल मैं एक फ्रीलांसिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ और एक एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ। ये करने के बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। तो आप यहां से कोई भी 2 कोर्सेज यहां से सिलेक्ट कर देंगे और ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने अभी सेव करता हूं, ओके का पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू सेव एनरोलमेंट्स, ओके कर दिया तो ये आ गया कि एनरोलमेंट सेव सक्सेसफुली। जब आपके सामने ये वाला ग्रीन कलर में इस तरह शो होना एनरोलमेंट सेव सक्सेसफुली कि आपकी एनरोलमेंट सक्सेसफुली सेव हो चुकी है, तो आप इट्स मीन कि आपकी फाइनली रजिस्ट्रेशन हो गई है। फिर आप अगेन ये देखें होम के ऑप्शन पे आएँ और यहाँ से आपकी अब आप इनरोल हो चुके हैं, ठीक है।
तो अगर आप अगेन भी यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आप देखें आपके कोर्सेज यहाँ ऑलरेडी सिलेक्ट शो हो रहे हैं। और इन केस अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं अगेन, तो यहाँ से आप चेंजिंग भी हो सकती है। चेंजिंग फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ऑटो क्रिएट पे क्लिक करना, ये देखिए फिर पूछ रहा है कि आप सॉरी यू कॉन्ट एनरोल मोर देन 2 कोर्सेज। तो इसको एक को रिमूव कर दें और दूसरा अगेन फॉर एग्जांपल ये मैंने रिमूव कर दिया और मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया। और फिर अगेन मैं मुझे सेव करना होगा इन केस अगर मुझे चेंज करना है कोई कोर्स। अगर नहीं करना चाहिए तो आप इस तरह आपने कोई से भी 2 कोर्सेज सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने प्रोसेस शेयर किया है किस तरह आपने इनके वेबसाइट पे आना है और अपनी कंप्लीट आपने सबसे पहले साइन अप करना था। उसके बाद अपनी साइन अप करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा, जो भी आप ईमेल एंटर करेंगे वहाँ से आपने ईमेल ओपन करनी है, वेरिफिकेशन वेरीफाई करना है, उस पर लिंक आएगी या जो भी। उसके बाद आपने साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इनकी वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। और यानी आपके सामने प्रोफाइल आएगी, वो आपने इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। वो करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे होम के ऑप्शन पे, ये होम का ऑप्शन क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपने आ जाना है, यहाँ आपने एनरोल नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ से 2 कोर्सेज सेलेक्ट कर लेने। इस तरह आप अपनी फ्री ऑनलाइन कोर्सेज़ की आप इन्रोलमेंट कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी। अगर आप आपके पास क्योंकि वीकली आपको 12 वीक्स का ये कोर्स है और आप इजीली ये कोर्स कर सकते हैं। और ये कोर्स करने के बाद आप अपनी सर्विसेज आगे ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं और जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट डिटेल जो आपके साथ शेयर की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस टाइप की वीडियोज़ के लिए चैनल से अटैच रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।